सिन्दूरारुणविग्रहां त्रिनयनां वाणिक्यमौलि स्फुरत् तारानायकशेखरां स्मितमुखी आपीनवक्षोरुहा पाणिभ्या मलिपूर्णरत्नचषकम् रक्तोत्पलं बिभ्रतिं सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत् परामम्बिखा जय माँ ललिता अंबिका जय गुरुदेव अपने समस्त गुरुजनों के चरणों में नतमस्तक होते हुए अपनी गुरु परंपरा को प्रणाम करते हुए आप सभी श्रोतागण के हृदय में निवास करती हुई माँ ललिता को प्रणाम करते हुए आदि शंकराचार्य को प्रणाम करते हुए मैं इनसे याचना करती हूँ कि सौंदर्य लहरी ये जो विषय है जिसका हम लोग चिंतन मनन श्रवण कर रहे हैं इसको मैं सरल शब्दों में आप लोगों को समझा पाऊं मैं तो केवल एक माध्यम मात्र हूं जैसा मैंने अपने गुरुजनों से सीखा जो बातें मुझे प्रैक्टिकल लगी जो मेरे अनुभव में आई जो मुझे सरल लगी वही बातें मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूं बाकी मैं केवल बोल रही हूं समझाने वाली तो साक्षात माँ ललिता है वाग्देविया है वो आपके हृदय में बैठे आपको समझाएं यही मेरी उनसे प्रार्थना है अब हम लोग इकतीसवें श्लोक पर चलते हैं ये आनंद लहरी पहले के जो फोर्टी वन श्लोक है इकतालीस श्लोक वो आनंद लहरी के पाठ है उसके बाद के लहरी के पाठ है ये जो पहले के जो श्लोक थे साक्षात भगवान शिव का दिया हुआ श्लोक है और तो उसके बाद का जो लिखे हुए श्लोक थे वो शंकराचार्य के लिखे हुए श्लोक हैं हम लोग उसकी अब उसको आप सुनते हैं चतुष्टया तंत्र ही सकलमति संधाय भुवनम् स्थितस्तत्सिद्धि प्रसव परतंत्रै पशुपति ही पुनस्त्वनिर्बंधा अखिल पुरुषार्थैक घटना स्वतंत्रम् ते तंत्रम् चितितलम् अवाती तरदिदम् शंकराचार्य कहते हैं कि शिव जी ने पशुपति शंकर उन्होंने पहले चौसठ तंत्र बनाए वो बनाने के बाद ये जो चौसठ तंत्र थे ये सिद्धियां दे सकती हैं अपने आप में जिसको भी धर्म अर्थ काम की इच्छा हो वो इन चौसठ तंत्रों को फॉलो कर सकते हैं लेकिन ये करने के बावजूद मां आपने उन्हें फिर से कहा कि एक स्वतंत्र तंत्र की रचना करें जिसमें श्री विद्या के बारे में बताई जाएगी श्री चक्र के बारे में बताया जाएगा तो वो जो स्वतंत्र तंत्र पैंसठवा तंत्र श्री विद्या वो शिव जी ने बताया जिससे कि मनुष्य को भोग और मोक्ष दोनों प्राप्त हो और आप ही के तन निर्बंधात आप ही की आज्ञा से आप ही की आज्ञा नहीं आपके रिक्वेस्ट से आपने ऐसे प्यार से उनसे कहा कि ये बनाइए तो इदम ते तंत्र ये जो तंत्र है जो श्री विद्यातंत्र वो शिव जी ने सबको दिया इसको हम पैंसठवा तंत्र कहते हैं और ये अपने आप में स्वतंत्र एक तंत्र है अब समझने वाली कुछ बात है इसके अंदर कि भगवान शिव ने पहले ही चौसठ तंत्र बनाए थे और वो अपने आप में सिद्धियां देने के लिए दे सकती हैं सारे के सारे चौसठ तंत्र तो पैसठवा तंत्र बनाने की आवश्यकता क्या थी अच्छा ये ये क्वेश्चन जाने के पहले ये समझना जरूरी है तंत्र की आवश्यकता क्या थी हमारे यहां तो वैदिक तरीके से पूजा हो ही रही थी तो उसके अलावा लोग कंफ्यूज होते हैं ना कई बार हमारे हम लोग जब सुनते हैं तो अरे वेदों में तो ऐसा लिखा गया तंत्र तो अलग ही बता रहा है कई मेथड अलग दिखते हैं एंड रिजल्ट्स आर डिफरेंट मेथड जो है अलग दिखते हैं तो मन में ये प्रश्न आता है ना वैदिक तरीका सही है कि तांत्रिक तरीका सही है तंत्र के प्रति कई बार लोगों के मन में भ्रम भी होता है क्वेश्चंस होते हैं कई बार अविश्वास होता है कई बार ऐसा लगता है इसमें तो जादू टोना है बस और कुछ नहीं है काला जादू है इसमें लोग पता नहीं क्या क्या करते हैं मारण उच्चाटन है ना ये सारी बातें आती है ना तंत्र बना क्यों देखो पहले जब वेद वेदों से पूजा होती थी वैदिक तरीके से जब पूजा होती थी तो उसमें केवल ब्राह्मणों को अधिकार था और बाकी के भी तीन वर्गों को ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य को भी बहुत कुछ मिलता था लेकिन वेद के मंत्र के उच्चारण केवल ब्राह्मणों को अलाउड था और बाकी के लोग भी यदि कुछ फॉलो करना चाहे वेद में तो उन्हें अपना सब कुछ शुद्ध करना पड़ेगा अब जो निम्न जाति के लोग हैं या निम्न जाति कहो या ऐसे लोग हैं जिनकी शुद्धि पहले से नहीं है जो मांस मधिर का सेवन करने वाले हैं या आदतें खराब हैं या सोच खराब है होता है ना संसार में हम ऐसे घर में ही पैदा हुए कि हमें शुद्धि क्या है हमें पता नहीं हम बचपन से नॉनवेज खा रहे हैं अगर तो हमको सडनली कोई आके बोलेगा अरे नॉनवेज बंद करो आपको भगवान को याद करना तो पहले नॉनवेज बंद करो तो बड़ा कठिनाई होता है ये ये चीज हजम करने में अच्छा किसी घर में बच्चा बेचारा बच्चे को क्या पता वो आदमी वो पैदा हो गया ऐसे शराब भी होंगे घर में अब शराब बचपन से देख रहा है उसके लिए तो शराब कोई गलत बात है ही नहीं अब उसको सडनली एक 24-25 में वो इसको एक माहौल मिलता है देवी की पूजा है वहाँ इतनी अच्छी पूजा हो रही है और भगवान की पूजा हो रही है विष्णु सस्त नाम हो रहा है इतना सब कुछ अच्छा अच्छा हो रहा है तो अब उसको इच्छा हुई पूजा करने की अब वो जाए ब्राह्मणों के पास तो ब्राह्मण तो पहले बोलेंगे ना नहीं नहीं पहले आपको शुद्ध होना पड़ेगा आपको ये छोड़ना पड़ेगा वो छोड़ना पड़ेगा बोलेंगे कि नहीं तो फर्स्ट कंडीशन की वैदिक मंत्रों के लिए ब्राह्मणों को पहले बात तो दे दिया अलावेंस और उसके आगे भी अगर सीखना है तो आपको बहुत कठिन रास्ता से चलना है तो ही आप उस सात्विक पूजा की तरफ जा पाएंगे विष्णु जी की पूजा जो होती है बड़ी सात्विक पूजा है आप आपको वहां पर प्याज लसुन तक छोड़ने की बात होती है हालांकि श्रीदेवी में भी होगी आगे चल करके लेकिन तंत्रों की जो हम मेन तंत्र की बात कर रहे हैं चौसठ तंत्रों की बात कर रहे हैं हम इसीलिए तो वहां जो वैदिक तरीके से जिनमें जिनको एडमिशन नहीं मिलता था सोसाइटी के उस वर्ग को जिसको एडमिशन नहीं मिलता था वैदिक स्कूल में जिनका हमारे अन्य जाति के लोगों का तो को जनेऊ भी नहीं मिलता था वो तो वो तो गुरुकुल में जा ही नहीं सकते वो तो गुरुओं के पास उनको एक रूल दिया था हालांकि भगवान ने गीता में कहा है चतुर्वर्णम मया शिष्टा गुण कर्म विभागशा कि हमने चतुर्वर्ण वर्ण बनाए हैं गुण के हिसाब से और कर्म के हिसाब से लेकिन हम लोगों ने उस सिस्टम को बिल्कुल एक्सप्लॉयट किया और ब्राह्मण वर्ग ने ये सोचा कि निम्न जाति के लोगों को कई बार मंदिर में तक भी अलाउ करते नहीं थे तो ये जब भेदभाव होने लगे तो क्या निम्न जाति के लोगों में या जिनका खान पान तामसिक है क्या उनमें क्या भगवान के प्रति भक्ति नहीं है है ना उनके अंदर भी तो है तो उनकी भक्ति को कैसे डेवलप किया जाए या हो सकता है वो तामसिक गुणों के हो हो सकता है उनके अंदर वो अभी सब उनका वो क्लीननेस नहीं हुआ हो तो क्या वो भगवान की भक्ति नहीं कर सकते वो देवी की भक्ति नहीं कर सकते तो उनको कहते थे अच्छा तुम्हारे जैसे लोगों को अगर भक्ति करनी है तो विष्णु की भक्ति पॉसिबल नहीं है तो आप एक काम कीजिए आप काली माँ की भक्ति कीजिए काली माँ सब ले लेती है आपको आपको खाना ही है ना मांस तो काली माँ के हमने बलि चढ़ाइए खा लीजिए आपको मदरा का सेवन करना ही है ना काली माँ को पहले चढ़ाइए आप ले लीजिए ऐसे ऐसे करके तो धीरे धीरे इन क्षेत्रों में या इन लोगों के बीच में या ट्राइबल्स के बीच में कहा जाए जहाँ पर मौसम भी ऐसा है जगह भी ऐसी है कि वहाँ का खान पान तामसिक ही है उन लोगों के बीच में आप देखेंगे तंत्र के जो सिस्टम है ये ज़्यादा आगे बढ़ा वन ऑफ द रीजन्स उसके बाद तंत्र जब प्रोग्रेस होने लगा तंत्र लेकिन बहुत ही हाइएस्ट सिस्टम है ये आ, ये इतना प्रोग्रेस हुआ जो क्योंकि शिव जी ने दिया तो शिव जी ने हर वर्ग के लोगों के लिए किया तो इसमें अघोर का भी सिस्टम आ गया अघोरियों का भी तो अघोरी तो आप तो जानते हैं उनकी कैसी रहनी होती है कई बार आप लोगों ने देखा है और उसके अंदर वामाचार भी आ गया जिसको कौलाचार भी बोलते हैं तो उसमें मांस मदिरा मिथुन इत्यादि का भी सेवन को अलाउ किया गया लेकिन उससे भी एक शुद्ध तरीका आया जिसको कहते हैं समयाचार समयाचार में बिल्कुल शुद्ध तरीके से तंत्रों की प्रैक्टिस होती है तंत्र होता है यानी टेक्निक जैसे जैसे तंत्र, जैसे हम कहते हैं ना विद्युत तंत्र, साइंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी समझ में आया या हम कहेंगे इंस्ट्रूमेंटल साइंस तो इंस्ट्रूमेंट भी एक तांत्रिक विज्ञान है टेक्नोलॉजी को भी हम तंत्र बोल सकते हैं ठीक है तो यंत्र तंत्र यानी कि टेक्नोलॉजी ऑफ ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स कहा जा सकता है तो तंत्र यानी एक साइंस तंत्र यानी एक टेक्निक एक सिस्टम और जब शंकराचार्य के टाइम पर जब जब शंकराचार्य आए तो शंकराचार्य ने इस सिस्टम को इतने अच्छे से समझा और उसके जो शुद्ध सिस्टम को बाहर लाने का प्रयास किया समयाचार में बिल्कुल कोई मांस मिद्रा नहीं कोई बिल्कुल समयाचार बिल्कुल आपको लगेगा कई बार वैदिक तरीके से ही पूजा हो रही है तो औलाचार में आपको दिखाई देगा कि

जो कुछ ब्रह्मांड में है शक्ति वही आपके अंदर है बाहर की शक्ति और अंदर की शक्ति का तारतम्य करना है और अपने उस दिव्य स्वरूप को रियलाइज करना है ये तंत्र की पूरी एक सिस्टम है साइंस है जो उस सिस्टम को फॉलो करेगा जो उस साइंस को फॉलो करेगा वो अपने आप को जान लेगा तो शंकराचार्य ने जब देखा कि अरे ऐसा सिस्टम शंकराचार्य ने उस पूरे सिस्टम को शुद्ध तरीके से उसको प्रकट किया तो आप कांचीपुरम जाएंगे वहां पर भी श्री विद्या की पूजा हो रही है जितने भी शंकराचार्य के मठ हैं वहां पर श्री विद्या की पूजा होती है इसके पहले भी गुरु परंपराओं में दत्तात्रेय दत्तात्रे की गुरु परंपरा में दत्तात्रेय जी अः ललतात्र सुंदरी की पूजा करते थे शुद्ध तरीके से अगस्त लोपा मुद्रा हम जानते ही हैं तो अलग अलग जगहों पे आप देखेंगे बिल्कुल शुद्ध तरीके से तंत्र प्रकट हुआ था बीच में कौलाचार आया जहां पर उन उन वर्गों को अलाउ किया गया जिनकी पैदाइशी आदत सुशुद्ध नहीं थी उनको शुद्ध शुद्धिकरण के लिए उनको जो है तंत्र के रास्ते लिए गए उनको भी उसमें शामिल किया गया ये ऐसा नहीं था कि केवल ब्राह्मणों को ही मिलेगा ये हर वर्ग को मिलेगा दूसरा लोगों के अंदर बहुत इच्छाएं हैं हमारे संसार में इच्छाएं होती है शादी करने की इच्छा होती है बच्चे पैदा करने की इच्छा होती है कमाने की इच्छा होती है इच्छा हमारी बंद नहीं होती तो क्या किया जाए भोग की इच्छा खत्म नहीं होती लेकिन भोग से मोक्ष तक जाना है तो बाकी के जो तंत्र आप देखेंगे उनमें बहुत भोग की बातें हुई हैं भोग की बातें यहां तक गई हैं कि वशीकरण किसी को किसी के ऊपर दिला गया उसके ऊपर वशीकरण का प्रयोग हो रहा है उच्चाटन दो लोगों में प्रेम है उनको तोड़वा दो मारण ऐसे सब प्रयोग उन तंत्रों में बताए गए हैं और उन जो प्रयोगों में भी कई बार आप देखेंगे कि बहुत कुछ बलि वगैरह का सिस्टम है बहुत कुछ बताया गया जो कि जब आप पढ़ते हो या जब आप देखते हो तो नॉर्मल लो, लोगों को वो चीज गले के नीचे उतरती नहीं है कि ये कैसी पूजा है इतनी तामसिक पूजा तो ये उन लोगों के लिए बनाई गई है जिनको भोग में बहुत इंटरेस्ट है <laughs> तो उनको उसी भोग से गुरु के सानिध्य में रहते रहते उसी भोग से उनको निकालते हुए निकालते हुए उनका पवित्रीकरण करते हुए फिर उनको शुद्धिकरण में ले जा करके उनको फाइनल मोक्ष तक ले जाने की प्रक्रिया वो तंत्र में बनाई गई है मेरी एक बार एक औघड़ से मुलाकात हुई थी हम लोग उज्जैन में थे उज्जैन में अः बहुत तांत्रिक पीठ है तो ये भैरव गुफा थी और मैं वहाँ भर्तरी गुफा भर्तरी गुफा के पास ही मुझे जगह ठीक से याद नहीं आ रही क्योंकि मैं बहुत यंग थी तब मैं शायद तेईस चौबीस की थी तेईस चौबीस में नहीं बीस इक्कीस की होंगी शायद तब मैं गई थी वहाँ पर मेरे पिताजी ले गए थे हम लोगों को हमारा पूरा ट्रिप गया था हम मैं मेरे पिताजी की वजह से बहुत सारे तांत्रिक जगहों पर मैं बचपन से ही रही मेरे पिताजी बगलामुखी के उपासक थे स्वामी देवी चेतनानंद और साक्षात बगलामुखी ने उनको दर्शन भी दिया था उनका आश्रम है राज राजेश्वरी पीठ मीरा रोड में तो उनकी वजह से तंत्र के तंत्र जो है मैंने समझा ज्यादा तो वो मुझे हर जगह पे ले जाते शमशान पीठों पर भी ले जाते साधना हमने वहां पर भी की है तांत्रिक पीठों में भी ले जाते ऐसे जितने जो तंत्र हो तांत्रिक होते हैं ना ऐसे एकदम काले कपड़े पहने लाल कपड़े पहने खूब ढेर सारी माला डाले या शराब पी करके टूं और ऐसे भी भैरव की साधना कर रहे हैं भैरवी की साधना कर रहे हैं ऐसे भी जगहों पर मैं उठी बैठी हूँ तो एक बार ऐसे ही हुआ उसी भरतरी गुफा में मुझे याद है उसके पास ही एक स्मशान थे जहाँ शाम के समय पहुंचे तो वहां सारे तांत्रिक आए थे और एकदम मतलब तांत्रिकों को दिख करके एक मिनट के लिए डर भी लगता है झूठ नहीं कहूंगी और हम यंग थे काले काले कपड़े पहन करके दाढ़ी बड़ी हुई एकदम आंखें ऐसी लाल बिकॉज उन्होंने चढ़ा ली थी और कुछ उसमें से अच्छे भी थे तो एक के पास मैं बैठी और मैं अपने ध्यान में थी वो अपने ध्यान में थे फिर हमारा जब जब मेरा ध्यान खुला तो उनका भी ध्यान खुला था तो मैंने उनसे पूछा कि मैं भी तंत्र की पूजा करती हूँ मैं भी देवी की पूजा करती हूँ लेकिन मैं मैं तो ये सब नहीं करती जो आप लोग करते हैं तो आपकी पूजा में मेरी पूजा में क्या फर्क होने वाला है आपने ये पूजा क्यों ली आप शुद्ध तरीके से पूजा क्यों नहीं कर सकते हैं आपको क्या जरूरत है ये सब बलि बलि देने की तो उन्होंने मुझे एक ही बात कही कि देखो तंत्र की जो विद्या है वो गुरु के मार्ग से चलती है तुम बहुत सौभाग्यशाली हो कि तुम्हारे पिता की वजह से तुम्हें बचपन से मिला जो कुछ मिला हम लोग उस बैकग्राउंड से नहीं थे और उन्होंने मुझे अपनी कहानी बताई कि वो जब यंग थे तो उनको ड्रिंक्स लेने की आदत थी और ड्रिंक्स लेने की आदत की वजह से एक बार ऐसा हुआ कि उनका उनकी भाभी की तरफ जो है गलत दृष्टि पड़ी और गलत दृष्टि की वजह से उन्होंने गलत कर्म कर दिया जब होश आया उन्हें तो उन्हें बहुत ग्लानी हुई कि मैंने ऐसा किया कैसे लेकिन नशे में होश नहीं था उस समय पर कर दिया और उस गलत कुकृत्य की वजह से घर वालों ने तो उनको निकाल ही दिया घर से निकल करके घर से निकलना तो बात अलग है लेकिन जो ग्लानी इनको खाई जा रही थी ये बहुत गुरुजनों के पास गए और इन्होंने अपनी दिल की बात बताई कि मुझसे ये कुकृत्य हुआ तो मेरी शुद्धि कैसी होगी लेकिन हर जगह उनको जो है उन्होंने कहा कि जितने भी मैं वैदिक तरीकों में गया या मैं बड़े ऊंचो गुरुओं के पास गया उन्होंने मुझे घृणा की दृष्टि से ही देखा फिर मैं अपने अवघर गुरु के पास जब गया जो उनके गुरु अवघर थे स्मशान में रहने वाले वो उनके पास जाकर के जब इसने जैसे इसके अंदर ऐसा हो गया था कि ये मर जाएगा इसको आत्महत्या करने की इतनी ग्लानी थी कि आत्महत्या करने की इच्छा हो गई थी तो कहे कि जब मुझे ये मेरे गुरु मिले और मैंने इनको अपने दिल की बात बताई उन्होंने मुझे अपनाया स्मशान में रहने वाले मेरे गुरु थे उन्होंने मुझे अपनाया और उन्होंने मुझे देवी की काली माँ की साधना दी और कहा कि तुम तुम्हारे अंदर जो ये ये रक्त रक्त बीज बीज बैठा हुआ है यानी जो काम काम अग्नि समझ में आया ना काम क्रोध के जो बीज हैं इसको तुमको खत्म करना है तो काली माँ ही तुम्हारा मदद करेंगी तो उन्होंने मुझे काली साधना में दीक्षित किया और मुझे स्मशान में बैठ करके साधना करने की का प्रयोग बताया तो मेरे को जिस गुरु ने मुझे अपनाया इतना प्रेम दिया और मुझे नहीं देखा कि मैं ऐसा घोर पापी हूं तो उन्होंने मुझे बताया तो मैं अपने गुरु के मार्ग पे चल रहा हूं और धीरे 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 मैं भी पवित्र हो जाऊंगा इस प्रकार से वो जो घटना घटी उसने मैं जब वापस आने लगी तो मैं सोचने लगी हाँ अलग अलग प्रकृति के साधक हैं कोई भक्त प्रकृति के हैं वो बचपन से ही अच्छे फैमिली में पैदा हो गए वो भक्ति में ही लगे हैं उन्हें को ऐसे खाना पान की तरफ हम लोग जैसे मेरी फैमिली थी मुझे कभी हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी में कहीं मांस नहीं है मदिरा नहीं है तो हमें पता ही नहीं क्या होता ये और दूसरे भी तो ऐसे साधक हैं जिनके घरों में ऐसा बचपन से ही है तो वो हम उनको जज नहीं कर सकते उनको प्रकृति ने उनको वहा रखा है लेकिन वो भी फॉरवर्ड जनी पर जा रहे हैं तो तंत्र ने और अघोर पंथ ने उन लोगों को भी अपनाया और वाम पंथ ने उन लोगों को भी अपनाया जिनके अंदर एक्सेसिव ये है मैं वामपंथी एक गुरु को मिली थी कामाख्या में तो मैंने उनसे भी पूछा कि ये क्या है आप लोग भैरव भैरवी का चक्र और ये बारुडीन मतलब शराब ये सब क्यों जरूरत नहीं है इसकी ये इस सब बंद करना चाहिए आप तो इतने जाने माने हैं यहाँ पर तो आपको बंद करवाना चाहिए अपने शिष्यों को तो उन्होंने ये भी सेम बात कही कि नहीं हमारे यहाँ हम इसको बंद इसलिए नहीं करवाते हैं कि गुरु के सानिध्य में होता है और ऐसा नहीं है कि कोई पागलों की तरह बस बोटल बोटल ढकेल रहा है नहीं नहीं जो आते हैं वो इतने बुरी हालत में आते हैं हमारे पास फिर उनको देवी की साधना करनी पड़ती है तो तो उनको शांत करने के लिए उनको एक पैमाना एक पर्टिकुलर क्वांटिटी होती है उतना ही वो ले सकते हैं उतने में ही वो साधना कर सकते हैं उनको साथ साथ मंत्र जपाना है और वो छोड़ नहीं सकते तो इट इज लाइक अ जैसे कोई कोई रिहेबिलेटेड रिहेब कैंप होता है ना हमारे यहाँ किसी को नहीं छूट रही है तो क्या करोगे आप रिहेब कैंप में डालोगे तो कहते हैं इनको छुड़ाने के लिए देवी का मंत्र ये इतने पशु जैसे हैं इतने पशु जैसे हैं कि इनकी पशु वाली जो उनकी जो नेचर है उसकी बलि देनी पड़ती है लेकिन ये इतने आसानी से नहीं निकल सकता तो इनको बोलते हैं आप मंत्र भी जपो आप काली माँ के पास भी बैठो आप यहाँ वहां मत जाओ आपकी जो भी अः अगर आपके अंदर काम के बीज हैं बहुत तो आपकी एक भैरवी है बस उन्हीं के साथ वही देवी है वही कामख्या है वही ऐसे करके उनके काम अ के जो के जो बीज हैं उसको मिटाया जाता है उसकी बलि दी जाती है फिर क्रोध इत्यादि अगर काम अग्नि शांत हुई तो क्रोधाग्नि भी धीरे धीरे शांत हो जाती है और इनके अंदर जो तामसिक खान पान की जो आदत है वो भी सुधर जाती है तो वो पैमाने में इतने पैमाने में ही ले सकते हैं इससे ऊपर एक भी लिया अगर उन्होंने थोड़ा सा भी ज्यादा नॉनवेज हो या जो भी हो तो कहते हैं कि वो जो है फिर वो डिस्कालीफाई हो जाते हैं गुरु से तो फिर उनको फिर से वापस पूरी साधना वापस रिपीट करनी पड़ती है लेकिन ये जो वामाचार जो होता है या जो ओघड़ वाला जो सिस्टम है ये आपको किसी काबिल गुरु के अंडर में बैठ करके करना पड़ेगा और ये ऐसा है जैसे इसको हम वीराचार भी कहते हैं ये ऐसा है क्योंकि वीराचार इसलिए कहते हैं क्योंकि ये तलवार के धार पे चलने जैसा है कभी किसी भी क्षण आप गिर सकते हो किसी भी क्षण आप गिर सकते हो <laughs> लेकिन समयाचार जो है, इसमें गिरने का डर नहीं है ये एकदम सेफेस्ट है, इसमें हम देवी के नामों को लेते हैं और शुद्ध तरीके से पूजा करते हैं जो शंकराचार्य ने बताई पद्धति है ये सबसे बेस्ट पद्धति है यहाँ कोई मारण नहीं कोई उच्चाटन नहीं कोई वशीकरण नहीं कुछ नहीं केवल माँ की भक्ति है तंत्र को यूज किया गया वैदिक तरीके से बस मैं ऐसा कह सकती हूँ समयचार में तंत्र और वेद ये दोनों को मिला करके समयाचार बना है बहुत सुंदर तरीके से तो ये पॉइंट्स मुझे लाना था क्योंकि यहां पर चौसठ तंत्र जो लिखे शिव जी ने वो भोग मिल सकती है सिद्धियां मिल सकती हैं लेकिन ये सिद्धियां आपको डुबा भी सकती हैं तो इसलिए पैसठवा तंत्र बना जिसको हम कहते हैं श्री विद्यातंत्र जो भोग और मोक्ष दोनों देने में समर्थ है एक प्रश्न आता है हमेशा गुरु की जरूरत है गुरु की जरूरत है यस अन देखिए जब हम तंत्र के रास्ते चलते हैं तो जो लो भक्तों की ना कैटेगरी होती है जब नए नए बिगनर्स बन के आते हैं तो निम्न कोटि के हम भक्त कहेंगे उनको साधक तो वो भी बिगनर है तो उनको बहिर्याग सिखाया जाता है कि बाहर कवरशिप कैसे होता है तो उसमें अग्नि की वर्षिप सूर्य की सूर्य की याग फिर चंद्रमा कैसे हैं फिर उनके मंत्र होते हैं फिर श्री चक्र के देवियों के मंत्र होते हैं फिर मुद्राएं होती हैं ये बहिर्याग कहते हैं निम्न निम्न लो, लोगों को फिर कोई साधना में आगे बढ़ते 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 गया और कोई या तो कोई पहले से ही ऐसा आया कि वो बहुत पहुंचा हुआ है हर हर भक्त हर साधक अलग है इसलिए गुरु के साथ जब आप रहते हो गुरु को पता है कि ये साधक ऐसा है इसको ऐसे साधना देनी चाहिए सबके लिए वन साइज फिट से ऑल ऐसा वाला यहां पर सिस्टम नहीं है इसलिए कई बार आप गुरु के पास जाएंगे गुरु ने अलग अलग शिष्यों को अलग अलग साधना दी होगी दर इज नो वन सिस्टम तो जो ऊंचे कोटि के जो होते हैं उनको अंतरयाग सिखाया जाता है अंतरयाग में कुंडलिनी नवचक्र जो है हमारे अंदर कहाँ कहाँ है उन पर कैसे ध्यान करना चाहिए अंतरयाग में ये सिखाया जाता है और कुछ जो होते हैं मिक्स्ड मिश्र तो उनको बहिर्याग और अंतरयाग ये दोनों मिश्रित उनका चलता है अब हम लोग बत्तीसवें और तैतीसवें श्लोक में चलते हैं ये दोनों श्लोक जो है मां के मंत्र है ठीक है तो मैं तीन दोनों को पढ़कर के दोनों को एक, एक साथ एक्सप्लेन कर देती हूँ शिवा शक्ति काम क्षितिरथ शीत किरण स्मरो हंस शकर तदनुच अनुच मार हर आमीर लल्ले खा भी तीसरे भी अवसाने शुगटी भजन्ते वर्णास्ते तवजन निनामा वयवताम तैतिसवां श्लोक स्मरम योनिम लक्ष्मी त्रितायम् त्रितायम् इदा मादाओ तव मनोहो हो निधाये केनित निरवधि महाभोग रसिका भजती मणिगुण निबद्धाक्ष वल शिवाग्न जुवंत धारा होती धाराहुतिशत ये जो बत्तीसवां श्लोक है और तैतीसवा श्लोक है ये इनके दो श्लोक के सिस्टम है एक है हादी एक है कादी कादी सिस्टम और हादी सिस्टम तो बत्तीसवा जो है वो हादी कई बार आप लोग बुक के ट्रांसलेशन देखेंगे तो लोगों ने उसके ट्रांसलेशन में बिकॉज ट्रांसलेशन ऑर्डनरी लोगों ने किया है तो उन्होंने जो मंत्र पॉपुलर है हमारे संसार में जिसको हम कादी मंत्र कहते हैं वो पॉपुलर मंत्र है आप लोगों ने सुना होगा रिंग क ए ल रिंग अ रिंग स ल रिंग ये जो है ये पॉपुलर मंत्र है ये गूगल पे आप करेंगे तो आपको आसानी से मिल जाएगा और लोग यही चपते हैं तो जो ट्रांसलेशन करने वालों ने कई जगहों पे मैंने देखा कि ट्रांसलेशन किया और बत्तीसवें वाले श्लोक को उन्होंने पॉपुलर मंत्र के बीज मंत्र से जोड़ दिया लेकिन ऐसा नहीं है ये जो श्लोक है बत्तीसवा श्लोक ये हादि मंत्र का श्लोक है हादि मंत्र में थोड़ा डिफरेंस है ये लोपा मुद्रा का दिया हुआ श्लोक है इसमें मंत्र आते हैं हसक ये ह से शुरू होता है देख लीजिए हाँ सकल हाँ ये तीन इसके कूट है आप देखेंगे पंद्रह अक्षर होते हैं इसमें तीन कूट होते हैं। वन ग्रुप कूट यानी ग्रुप वन ग्रुप टू ग्रुप थ्री ग्रुप तो हाँ ठीक है एक ग्रुप हो गया हाँ दो ग्रुप हो गया सक तीसरा ग्रुप हो गया और ये एक एक ग्रुप के बीच में रीम मंत्र को ऐड किया जाता है तो ये एक ग्रुप दो ग्रुप तीन ग्रुप तो यहां पर इन्होंने यही कहा हे मां आपका जो ये पंचदशाक्षरी है इसमें शिव शक्ति काम क्षिति रवि शीत शीतकिरण रवि शीत किरण यानी शीत किरण यानी चंद्रमा और स्मर स्मर और काम और हंस और शक्र और इसके पीछे पराशक्ति और उसके बाद मार और उसके बाद मारयानी अगेन काम और उसके बाद हरी इन तीनों के अंत में लेखा जोड़कर लेखा यानी रिम मंत्र जोड़ करके के तेरे नाम के जो अव्यय हैं वो स्वरूप अक्षरों का साधक भजन करते हैं मतलब अब जैसे हमने कहा ह सक तो ह जो मंत्र हुआ ह जो हुआ वो शिव का द्योतक है स, अब इसके अंदर दूसरा जो आएगा ह स शक्ति का क का, काम का ल छिति पृथ्वी का फिर ह स उसमें ह रवि का फिर स चंद्रमा का फिर स्मर का क फिर एक हमसा का हा, फिर शक्र का ल, अभी। जो मैं आपको बोल रही हूं ना ये मंत्र है जो लोग मंत्र जानते हैं या मंत्र प्रैक्टिस करते होंगे वो समझ गए होंगे जो नहीं जानते हैं आप लोग केवल सुन लीजिए <laughs> और उसके बाद का जो लास्ट मंत्र होता है स क ल उसमें परा मारा और हरी ये तीन तो ये जो, मन, जो बोलते हैं ना जब हम लोग मंत्र ह स ह कल तो एक एक ह से ह का अर्थ हुआ शिव क का, अर्थ का हुआ ह स से अर्थ हुआ शक्ति क से अर्थ हुआ काम ल से अर्थ हुआ पृथ्वी ऐसे अभी गुरु के पास बैठ करके नोट्स बनाना चाहिए अभी मैं बोलूंगी तो इतना आपको समझ में आएगा नहीं नोट्स बनाना चाहिए लिखना चाहिए मेडिटेट करना चाहिए ध्यान करते करते आपके ध्यान में ये सब बातें आएंगी तो ये तो मैंने आपको कहा हादि विद्या में अब इसी को जब कादी विद्या में कर देते हैं तो मंत्र बदल जाता है तो म, तब वहां पर तीन ग्रुप आते हैं कादी विद्या जो है वो श्लोक नंबर तैतीस वो वाला श्लोक जो है कादी विद्या बोलता है तो कादी विद्या में होता है क ए ग्रुप ह स ल ए, दूसरा ग्रुप स तीसरा ग्रुप और ये तीनों ग्रुप के बीच में रीम 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 ये मंत्र को ऐड किया जाता है तो ये हो गया कादिविद्या का मंत्र जब ये दोनों श्लोकों को जब हम पढ़ते हैं अर्थ वही निकलेंगे ठीक है ना क ए इला में भी वैसे ही लेना आपको शिव है शक्ति है काम है ये चिती है रवि है इस प्रकार से लेकिन दोनों मंत्रों में फिर एक हादी है एक कादी है ये आपको कैसे पता चला इन श्लोकों को पढ़ के ये प्रश्न उठेगा इससे पता चला कि जब तैतीस श्लोक पढ़ते हैं तो उसके अंदर क्या? कहा कहा कह रहे हैं कि कुछ कुछ लोग आपके मंत्रों के आगे स्मरम योनिम लक्ष्मी तृतयम इधम आदव ये तैतीस श्लोक लोग का स्टार्टिंग है कि स्मरम से होता है क्लीम और योनि से होता है रीम और लक्ष्मी से होता है श्रीम कोई कोई लोग क्लीम रीम श्रीम ये बीज मंत्र लगा करके आपके मंत्रों का को जाप करते हैं आपके मंत्र को इतना जाप करते हैं जाप करने से उन्हें बहुत धन और बहुत ऐश्वर्य उनको प्राप्त होता है और बहुत आनंद प्राप्त होता है और इस प्रकार से वो शिवाग्नि में घी की आहुति देते हैं और घी की आहुति देने से ये मंत्र जाप करने से उन्हें बहुत कुछ आनंद प्राप्त होता है सेकंड वाला ये जो थर्टी थर्ड जो श्लोक है क्लियर कट बता रहा है ये भोग के लिए जो लोग मंत्र का प्रयोग करते हैं शंकराचार्य को किसी भोग की इच्छा नहीं थी उन्हें कोई पुत्रेश नहीं थी उन्हें कोई धनेष्णा नहीं थी उन्हें कोई लोकेषणा नहीं थी पुत्रेशा यानी लोगों को होता है ना पुत्र चाहिए हमें तो पुत्र चाहिए तो हम ललिता ससनाम पढ़ते हैं उसमें एक प्रयोग है ललिता ससनाम में आप छह महीने मक्खन खिलाइए मैंने तो बहुत लोगों पर पर ये प्रयोग किया है मक्खन खिलाया महीना और के बाद मुझे लोगों ने दिया रहे है। आ, जी, किसी को धन कि या शादी करनी है तो हम लोग क्लीम ह्रीम श्रीम क्लीम इधर वेज कोई भी मंत्र मतलब इसका ऑर्डर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा उन बीज मंत्रों से वो बीज मंत्र लगाते हैं और फिर उसके बाद वैसे मंत्र लेकर के करते हैं वो भी नहीं है तो गल, रिंग का रिंग से कलरिंग वैसे करके हम लोग उस मंत्र को जपते हैं लेकिन ये मंत्र आपको इंटरनेट पे तो मिल जाएगा गूगल पे भी मिल जाएगा लेकिन इन मंत्रों में शक्ति तब आती है जब गुरु से मिलता है इसलिए मैं बार बार कहती हूँ मंत्र जब में आप जब जाए तो गुरु से टच में आए गुरु से लेकर के कीजिए मंत्र जब डायरेक्टली जपेंगे तो इतना फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि मंत्र की पूरी एक प्रक्रिया है उसके लिए ये मंत्र सक्सेसफुल होने के लिए आपको अपने अंदर पहले तो गुरु तत्व को जगाना पड़ेगा फिर गणेश तत्व को जगाना पड़ेगा फिर भैरव तत्व को जगाना पड़ेगा फिर सरस्वती को जगाना पड़ेगा फिर ये सब विधियां दी गई हैं इसके अंदर मैं कुछ अपने आप से नहीं बना रही हूँ ये करने के बाद फिर पंचदशाक्षरी मंत्र हम लोग करते हैं ऐसा नहीं कि इंटरनेट से लिया और करना शुरू कर दिया नहीं होगा आपको अगर इच्छा पूरी करनी है सच में आप ललिता ससन जपिए बिल्कुल उसमें कोई गुरु नहीं है आपके पास कोई टेंशन नहीं है बिंदास जपिए ठीक लेकिन जो लोग किसी को और डीप ले जाना है तो ये मंत्रों का सहारा ले सकते हैं गुरु की अनुमति के साथ चलिए अच्छा इसके अंदर इन्होंने कहा है कि कुछ लोग शिवाग्नि में घी घी की आहुति देते हैं तो शिवाग्नि में घी की जो आहुति देना है वो ऐसा है शिवाग्नि यानी कुंडलिनी इसका दूसरा भी अर्थ आता है कुंडलिनी कुंडलिनी में अमृत की आहुति देते हैं और ये अमृत की आहुति यानी क्या है सत्व रजस तमस इन तीनों गुणों की आहुति देते हैं और इससे उनको चिंतामणि की प्राप्ति होती है उनका चित्त शुद्ध हो जाता है उन्हें अत्यधिक आनंद की प्राप्ति होती है जो अंतरयाग करते हैं कुंडलनी में आपको अपने अमृत की आहुति देते हैं इस प्रकार से यहाँ पर बताया गया है तो पहला वाला मंत्र था हादी दूसरा वाला मंत्र था कादी शंकराचार्य ने कादी मंत्र किया था कादि नहीं किया था कादि से तात्पर्य है काम वासना जो काम वासना यानी काम यानी इच्छाएं वासना यानी बीज लस्ट नहीं केवल जितनी काम कामनाओं की जो बीज आपने बोए हैं उनको पूरा करने के लिए हमारे लोक में जो पॉपुलर मंत्र है जो आप लोग इंटरनेट गूगल सब जगह देखते हैं रिंग का ईल रिंग वाला मंत्र वो जो है वो कादी मंत्र है शंकराचार्य ने आदि मंत्र नहीं जपा था शंकराचार्य ने हादि मंत्र जपा था सन्यासियों के लिए हादि मंत्र है क्योंकि उन्हें पुत्र की इच्छा नहीं थी उन्हें धन की इच्छा नहीं थी और उन्हें लोक में उनकी तारीफ हो उनकी प्रशंसा हो उसकी भी इच्छा नहीं थी वो तो केवल माता की प्रसन्नता के लिए करते थे तो बत्तीसवें श्लोक का जो मंत्र है आदि मंत्र वो सन्यासियों के लिए बोला गया है अब आगे बढ़ते हैं शरीरं त्वं शम्भो शशिमिहिर्वक्षोरुहं युगम् तवात्मानं मन्ये भगवती नवात्मानमनघम् अत शेष ययम् उभयो साधारणतया स्थितसम्बन्धो वा समरस कहते हैं कि हेमा आप शंभू का आधा शरीर है और ये जो चंद्र सूर्य और चंद्रमा है ये आपके स्तन युगल है और ये जो शंभू है ये नवात्मा रूप में नव आत्मा रूप में ये प्रकट है लेकिन ऐसा लगता है जैसे आप दोनों में कोई अंतर नहीं है और आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं जैसे शेष शेषी इस भाव में आगे कहते हैं कि आप दोनों समरस परानंद परयो हो कि आप दोनों एक दूसरे में इतने जुड़े हुए हैं कि परानंद आप ही है और एक साथ समरस हुए ये दोनों आप ही हैं पराशक्ति और आनंद का एक समरस होने के कारण शेष और शेषीवत आपका संबंध स्थित है कहने का अर्थ है देखो अभी शेष शेषी कह रहे हैं यहां पर इसको समझने की जरूरत है हम भगवान का शरीर क्या है सत चिद आनंद चिद आनंद ठीक देवी का शरीर क्या है शिव का शरीर चिदानंद देवी का शरीर चिदानंद सच्चिदानंद, ठीक है ना ये जो चिद है ये जो चिद जिसको हम कहते हैं चिद यानी चित्त चित्त यानी कॉन्शियसनेस ये जो कॉन्शियसनेस है ये है शिव हर जगह शिव और वो जो आनंद है हर जगह जो आनंद है शिव को जो आनंद आ रहा है या प्रकृति में जो आनंद है जहां भी चले जाओ आनंद है ये आनंद कौन है ये शक्ति इसलिए जहां कहीं भी आप देखो देखो जो शेष शेषी शे का भाव तब आता है अभी हम संसार में रह रहे हैं तो हमें अपने आप को ट्रांसफर करना पड़ेगा हायर लेवल पे संसार में रहते हैं हमें तो अपना जीवन ऐसे लगता है पता नहीं कितनी उथल पुथल है लगता है ना लेकिन आप नेचर में चले जाओ नेचर में आनंद ही आनंद है आप हिमालय के यहां चले जाओ गंगा किनारे बैठो आनंद ही आनंद है पर्वतों पर तो पे जाओ आनंद ही आनंद है है तो हर जगह आनंद और जब ये प्रलय हो जाएगा समझो सब कुछ तो प्रलय होने के बाद भी एक चीज रह जाएगी क्या रह जाएगी वो आनंद वो चित्त शक्ति और आनंद शक्ति ये दोनों रह जाने वाले शिव यानी चिद और आनंद उनका जो आनंद है वो शक्ति तो सब कुछ जब तक है जहां पर भी सब कुछ आनंद दिखाई दे रहा है वो शक्ति है और सब कुछ चैतन्य है वो शिव है चिदानंद और सब कुछ जाने के बाद भी जो रह जाएगा चिदानंद ये दोनों एक दूसरे के साथ समरस हुए हैं ये दोनों कभी एक दूसरे से अलग होते ही नहीं है अच्छा फिर कहा गया मां आपके जो वक्ष स्थल है वो सूर्य है और चंद्रमा ये मैंने पहले भी समझाया था सूर्य हमारा पोषण करता है प्राण शक्ति के रूप में चंद्रमा तो साक्षात शिव है, है कि नहीं शिव जो है तो ये प्राण शक्ति हो गए सूर्य और चंद्रमा जो है वनस्पतियों में रस बनकर आता है तो सारा न्यूट्रिशन हमको किससे मिलता है चंद्रमा से मिलता है तो शिव शक्ति सूर्य चंद्रमा चिद आनंद ये हमेशा साथ चलते हैं अच्छा अध्यात्म के मार्ग पर जब हम चलते हैं तो दो चीज हमेशा साथ है एक है ज्ञान मार्ग एक है भक्ति मार्ग कहते हैं ना तो ज्ञान से जब हम भगवान को प्राप्त करते हैं उसमें भी एक आनंद का अनुभव होता है बिना आनंद के कोई ज्ञान भगवान तक ले नहीं जाएगा ज्ञान के मार्ग से जब हमें ब्रह्म की अनुभूति होती है उसे कहते हैं ब्रह्मानंद भक्ति के मार्ग से जब हमें भगवान की अनुभूति होती है भावानंद आनंद परमानंद तो ज्ञान भी अध्यात्म की तरफ ले जाता है आनंद भी अध्यात्म की तरफ ले जाता है ज्ञान को हम शिव कहते हैं आनंद को हम शक्ति कहते हैं और यही जो कह रहे हैं शिव ये नवात्म रूप में प्रकट होते हैं नवात्म रूप के नवात्म के बहुत सारे अर्थ हैं नवात्म उनके लेकिन हमको जो सरल अर्थ जो समझ में आता है कि जब हम श्रीचक्र देखते हैं श्रीचक्र में हमने पहले पढ़ा था ना चार ऊपर के ट्रायंगल हैं पांच नीचे के ट्रायंगल है चार शिवकंठ हैं चार और पांच शिव भी भी तो उनमें जो ये जो नव आवरण बने नव आवरण में जितने देवी देवता हैं ये भगवान के ही एक्सपेंशन है आनंद भैरव और आनंद भैरवी के ही एक्सपेंशन है ये नव आवरण में ये नव शक्ति नव शिव भले हमें शक्ति प्रधान दिखती है लेकिन नव शिव वहां पर है तो ऐसे लगता है कि नव शिव प्रकट हुए लेकिन उस शिव की जो आत्मा है उस शिव की जो आनंद ले रही है वो शक्ति है तो नव शिव नव आत्मनम तो शिव के नव आत्मा उसके और भी नाम है नाइन व्यू उसको हम कहते हैं काल कुल ज्ञान चित्त नाद बिंदु आ, कला और जीव और ऐसे ही हम देवी के भी नौ है वामा ज्येष्ठा रौद्री अंबिका इच्छा ज्ञान क्रिया शांति और परा ये उनके अलग अलग आत्मा मतलब रूप है ठीक है तो यहां पर कह रहे हैं कि आप शंभू का शरीर है यानी शंभू आपके बिना कुछ नहीं है आप शंभु चित्त हैं तो आप आनंद है ऐसा यहाँ पर कह रहे हैं अब आगे चलते हैं पैतीसवे में मनस्वम व्योम मनस्तम व्योमत्वम मरुदसी मरुतसारथिरसी त्वमाप त्वं भूमि त्वयि परिणतायां न हि परं त्वमेवं स्वात्मानं परिणमयितुं विश्ववपुषा चिदानन्दाकारं शिवयुवतिभावेन बिभृशे हे शिव अच्युति हे मन हो तुम ही व्योम हो तुम ही मरुद मरुद यानी हवा सो तुम ही मन तुम्ही हवा हो तुम्ही मरुत सारथ सारथी रसी तम आप तुम्ही जल हो तुम्ही भूमि हो तुम्ही जो कुछ दिखाई दे रहा है ये पंचभूत में ये तुम हो और जो पंचभूति भूतों से परे हो वो भी तुम ही हो तेरी परिणति के बाहर हेमा कुछ भी नहीं है ये सारा विश्व तमेव तो स्वात्मान परिणाम विश्वभूषा ये सारा विश्व ये तेरे ही परिणाम का रूप है चिदानंद कारण कारण तू ने अपने आप को चिदानंद आकार में परिणत किया है और शिव युवती भावे व्यक्त किया हुआ है तो जितना भी कुछ हम देख रहे हैं ये भावना भी कि जो कुछ भी है वो माही है अंदर देखो तो मां बाहर देखो तो मां हर जगह ही माही, माही। अब इस जो बात को अब आगे के जो श्लोक आएंगे फोर्टी वन तक जो ब्रह्मांड में है ना पंचभूत पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश ये तत्व और चिद और उसके बाद आनंद चिदानंद ये जो पूरे तत्व हैं जो यद ब्रह्मांडे तत्पिंडे वही हमारे शरीर के अंदर है तो अब आगे का जो मेडिटेशन है वो कुंडलिनी का मेडिटेशन है तवाज्ञा चक्रस्थं तपनशि कोटिद्युतितरं परं शम्भुं वन्दे परिमिलत पार्श्वं परचिता यमाराध्यन् भक्त्या रविशी शुचि नाम विषये निरालोके लोके लोके निवसती भालोक भुवने हेते हैं हे मां तेरे आज्ञा चक्र में स्थित सुनिए ध्यान से सुनना तेरे आज्ञा चक्र में अपने आज्ञा चक्र में नहीं माँ के आज्ञा चक्र में तेरे आज्ञा चक्र में स्थित करोड़ों सूर्यों और चंद्र की ज्योति से युक्त शिव का मैं वंदना करता हूं जिसके कौन से शिव शिव के वाम साइड में मतलब लेफ्ट हैंड साइड में पराचिता जो है पराचिता यानी चिदानंद शक्ति जो है, वो एक ही भूत है जो मनुष्य इस प्रकार भक्ति पूर्वक तेरा ध्यान करता है वह सूर्य और चंद्र वो उस प्रकाशमान लोक में जाकर के निवास करता है जहां सूर्य और चंद्रमा नहीं रहते न भासते, सूर्य और चंद्रमा और अग्नि का वहां कोई विषय नहीं है ये लोक जो है स्वयं प्रकाशित होता है हम लोग गीता पढ़ते हैं तो गीता में ये बात कही है भगवान ने। भगवान ने। ने मुक्ति जब कहा भगवान कहते हैं मरते समय कोई मुझे याद करता है मेरे लोक आता है 15.6 चैप्टर 15। फिर उसमें वो कहते हैं कि मेरा लोक कैसा है 15.6 में कहते हैं न तद सूर्यो न शशांको न पावकहा यद गिवर्तनतेम मम उस धाम में मेरे उस धाम में न सूर्य है न चंद्रमा है न अग्नि है इनको कोई प्रकाश देने की जरूरत नहीं है मेरा धाम स्वयं प्रकाशित है एक बार कोई मेरे धाम पहुंच जाए तो उसे वापस इस संसार में आने की जरूरत नहीं सेम बात यहां पर कह रहे हैं देवी के चक्र आज्ञा चक्र में कोई ध्यान करता है किसका ध्यान करता है शिव का ध्यान करता है कैसे शिव का ध्यान करते हैं जिनके लेफ्ट हैंड साइड में देवी बैठी हैं चित्त शक्ति पराचित्त शक्ति और ऐसे शिव जो करोड़ों सूर्य के भांति चमक रहे हैं और करोड़ों चंद्रमा के भांति सूर्य कहेंगे तो गर्मी लगेगी चंद्रमा के भांति भी जो कोई ऐसा ध्यान पक्का कर लेता है उसे फिर कहते हैं वो जीते जी मुक्त है वो इस लोक में भी जी रहा है तो वो मुक्त है और जब वो उस लोक जाएगा तो उस लोक में भी वो मुक्त है ऐसा कोई ध्यान करता है अब बात यहां सोचने की ये है कि ये क्यों कह रहे हैं कि देवी के ऊपर ध्यान करना चाहिए ये क्यों नहीं कह रहे कि अपने आज्ञा चक्र में ध्यान करना चाहिए क्योंकि अपने अंदर ध्यान करना मुश्किल है तो शुरुआत करनी चाहिए हमको बाहर से ये जो है अंतर्याग है एक होता है मैंने आपको सिखाया था बहिर्याग यानी बाहर की वर्षिप तो कुछ लोग केवल बाहर की श्रीचक्र को पूजा कर करके भी वो फायदा ले सकते हैं यह मत कभी सोचना कि कोई लोग बाहर कर रहे हैं तो उनको मुक्ति नहीं मिलेगी उनको भी मुक्ति मिलेगी गीता में भगवान ने हमको कहा है अर्जुन ने पूछा कि भगवान कोई लोग निराकार की पूजा करते हैं कोई लोग साकार की पूजा करते हैं तो उनमें से बेहतर कौन है तो भगवान ने कहा जो निराकार की करते हैं वो भी मुझे प्राप्त करते हैं लेकिन वो रास्ता कठिन है जो साकार की पूजा करते हैं उनका रास्ता सरल है तो जो लोग समझो श्री श्री यंत्र की पूजा कर रहे हैं अर्चना कर रहे हैं ये साकार रूप में सामने यंत्र रखते हैं देवी को रखते हैं पूजा कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि इनको नहीं मिलेगा अगर इनके मुंह में हमेशा मतलब आपके मुंह में इनको में नहीं कहना चाहिए आप ही के मुंह में यदि हमेशा माँ का नाम चल रहा है चौबीस घंटा माँ का नाम चल रहा है और अगर मृत्यु आने लिखी है और आप माँ का नाम लेते लेते मृत्यु हो गई आपकी तो आप माँ के धाम चले गए मुक्त हो गए अब कोई दूसरा व्यक्ति है उसे ये बाहरी रिचुअल्स नहीं अच्छे लगते होते हैं अलग अलग भक्त हैं उनको अंतर्याग अच्छा लगता है तो उनको इतनी अंतर्याग की प्रैक्टिस करनी चाहिए तो प्रैक्टिस करने के तुरंत आप जाएंगे आज्ञा चक्र में ध्यान नहीं लगता तो माँ के आज्ञा चक्र में देखना माँ के आज्ञा चक्र में शिव का ध्यान करना शिव में शिव और शक्ति दोनों साथ में बैठे हैं ऐसा ध्यान करना और माँ के आज्ञा चक्र में करोड़ों सूर्यों का चमक है ऐसा ध्यान करना ध्यान करते 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 एक स्थिति ऐसी आएगी कि वो आंख बंद हो जाएगा फिर वो जो चित्र है आपके अंदर ही रहेगा पहले आप आंख खोल के देखना बिना नजर हिलाए टक फिर धीरे धीरे वो आंख देखते देखते वो चित्र ना आपके अंदर आ जाएगा फिर आप ऐसे ही ध्यान करना कुछ दिनों के बाद कुछ महीनों के बाद प्रैक्टिस के बाद ऐसा होगा कि आप अपने शरीर को भूल जाएंगे केवल मां रह जाएगी हमको ध्यान में यही तो पाना है हम अपने अहंकार को भूल जाए हम है ये भूल जाए केवल माँ है केवल माँ है और मां के लिए नहीं रहती मां और शिव दोनों साथ हैं ये तो करना है तो ये एक मेडिटेशन है कि इस प्रकार से मेडिटेशन करना मां के आज्ञा चक्र में ध्यान करना इस आज्ञा चक्र में जब हम लोग ध्यान करते हैं तो यहाँ पर जो शिव हैं उनका नाम होता है पराशंभु और देवी का नाम होता है पराचिति और यहाँ पर जो सिक्सटी फोर रेज हमने जो बात की थी ना चौदहवें श्लोक में मैंने आपको सिखाया था खड़गमाला के शंभु और शाम्भवी सबको ले लेकर अर्चना करना तो यहाँ ये सारे के सारे यहाँ पर है आगे वाले श्लोक में चलते हैं सत्ता थर्टी श्लोक में तो हमने आज्ञा पे ध्यान किया फिर विशुद्ध पे ध्यान करेंगे याद रखना शुरू आप करेंगे माँ के तस्वीर को देखते देखते धीरे धीरे प्रैक्टिस स्ट्रांग होगी फिर अपने अंदर अंतर्याग में यही करना होता है उसमें आपका बहिर्याग कभी नहीं हुआ तो कोई चिंता की बात नहीं जो अंतरयाग में अगर एक्सपर्ट हैं वो केवल अंतर्याग करें किसी को अंतर्याग बहि बार बार अंतर्याग बहिर्याग मतलब एक्सटर्नल वर्शिप इंटरनल वर्शिप बाहर से पूजा और अंदर की पूजा ठीक जिनको दोनों चाहिए वो दोनों करे जिनको केवल बाहर की चाहिए वो बाहर करे ऑल थ्री मैथड तीनों मेथड सही है ठीक चलिए अब आगे बढ़ते हैं। विशुद्ध स्फटिक विशम व्योम जनक शिवम से वे देवी अपि शिव समान व्यवसता यो शशि किरण सारूप्य सरणे विधूता विधूतांतर द्वांता विलसती चकोरी व जगती अब यहाँ पर जो है हम लोग विशुद्धि में ध्यान देते हैं विशुद्धि में कैसा ध्यान कहते हैं कहते हैं यहां हम शिव का ध्यान देते हैं ध्यान करते हैं शिव कैसे दिखाई दे रहे हैं शुद्ध स्फटिक विषदम बिल्कुल स्फटक की स्फटिकवत चमक रहे हैं और इनके साथ साथ इनकी शिव युवती वो भी है वो भी कैसी दिखती है देवी माँ वो भी शुद्ध स्फटिक की जैसे दिखती है हम इन दोनों का यहाँ साथ में सेवा कर रहे हैं ये दोनों ऐसे दिखते हैं जैसे चंद्रमा की किरणें इनसे ये किरणें निकल रही हैं और पूरे जगत को ये प्रकाशित कर रही हैं और लेकिन ये एक दूसरे को देखते हैं जैसे एक चकोर दूसरे को देख रहा है तो दोनों चंद्रमा और दोनों ही चकोर चकोर वो पक्षी होता है जो चंद्रमा को देखता रहता है हमेशा प्यार से और जितनी वो प्यार से देखता है तो उतना ही प्यार उसके अंदर आता है तो हम इन दोनों को यहां ध्यान करते हैं तो शिव शिव पार्वती जी को देख रहे हैं चको चकुरवत और पार्वती जी भी शिव जी को देख रहे हैं शिव शक्ति पार्वती नहीं करना चाहिए शिव शक्ति दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं चकोर्वत और इतना प्रेम निकल रहा है इनके अंदर से हृदय से इतना प्रेम इनके अंदर चमक रहा है बिल्कुल चंद्रमा की चांदनी की जैसे सब जगह प्रेम और आनंद की लहरिया इन दोनों के अंदर से प्रकट हो रही हैं और प्रकट होकर के पूरे विश्व में ये प्रकट होती जा रही हैं तो ऐसा कोई ध्यान करता है ऐसा योगी सोचिए ना यहाँ पर सादा साक्षात शिव शक्ति और वो मुस्कुरा रहे हैं चमक रहे हैं ऐसा ध्यान तो वो योगी कैसा होगा ये साक्षात मोक्षदाय ध्यान है ठीक अच्छा आगे चलते हैं समुन्मेलत संव संवित कमल मकरंद रिकम भजे हंस द्वंदम कि महता मानस चरम यदालापत अष्टा दश गुणित विद्या परिणती अब हम लोग विशुद्धि पर ध्यान किए विशुद्धि से ध्यान करने के बाद हमारा ध्यान अब आएगा अनहत की तरफ अच्छा विशुद्धि में जब हमने ध्यान किया था ये आकाश चक्र भी है तो आकाश तत्व का भी ध्यान होता है आकाश का एक नाम होता है व्योम और यहाँ पर रहने वाले जो भगवान का नाम है व्योमेश्वर और उनकी शक्ति का नाम हो गया व्योमेश्वरी यहाँ पर पराशिव पराचित पराचिति यहाँ पर व्योमेश्वर व्योमेश्वरी अब हम लोग आकाश में आ रहे हैं मीन यहाँ से वायु तत्व वाले हृदय में आ रहे हैं हृदय में हमको अष्टदल कमल है उसके अंदर शिव शक्ति का ध्यान करना है और शिव शक्ति जो है इनका नाम है हंसेश्वर हंसेश्वरी तो दो मतलब यहां पर दो हंस दो हंस है एक हंस और एक हंसनी इनका जोड़ा है इसके ऊपर जो ध्यान करते हैं कहते हैं हृदय के कमल में हृदय में एक सरोवर है कमल में वहां पर उसके आजूबाजू हंस हंसनी का जोड़ा है ये भक्तों के मान सरोवर में नृत्य करते हैं तो हृदय और मन बेसिकली एक हो गया है इतना पवित्र है मान सरोवर यानी मन का सरोवर ये मन का सरोवर बड़ा प्योर है जिसका मन का सरोवर प्योर है यानी उसकी चित्त उसका कॉन्शियसनेस प्योर है और उस प्योर कॉन्शियसनेस में उस प्योर चित्त में शुद्ध चित्त में ये हंस हंसनी का जोड़ा चल रहा है और ये हंस हंसनी का जोड़ा इसका हम भजन करते हैं ये ये हंस हंसनी का जोड़ा महान पुरुषो के मानसरोवर में विहार करते हैं इनका इनको हम स्मरण करते हैं और ये हंस हंसनी का जोड़ा जो आपस में बातें करते हैं जो इनकी आवाजें निकलती हैं वही आवाजें जो है वो अट्ठारह विद्याएं बन गई और ये जो ये जो हंस हंसनी का जोड़ा इस पर जो कोई ध्यान करता है यानी कि वो अट्ठारह विद्याएं उस व्यक्ति को वो ज्ञान प्राप्त होने लगता है वो ज्ञान प्राप्त होने से वो जो है दोषयुक्त इस संसार से वो ऊपर उठ जाता है ध्यान करते करते तो अगर हम हंस हंसनी के जोड़े पर ध्यान करते हैं तो हम स्वयं भी हंस वक्त हो जाते हैं परमहंस हो जाते हैं हंस हो जाते हैं राजहंस परमहंस हो जाते हैं हंस के अंदर एक गुण होता है वो दूध को पानी से अलग कर सकता है दूध को पानी से अलग कर देता है पानी क्या है ये संसार का जल दूध क्या है अध्यात्म का जल <स दासेटियों> तो हम संसार में रहें लेकिन हम हम इस हंस हंसनी यानी हंसेश्वर हंसेश्वरी पर ध्यान करें और हम संसार के पानी से हट करके मानसरोवर में ही घूमते रहे ऐसा ये ध्यान है हृदय चक्र पर जिसको हम अनहत भी कहते हैं यहीं पर चौपन किरणें हैं जो हमने चौदहवें श्लोक में पढ़ा था अब हम लोग आगे वाले ध्यान पर जाते हैं तव स्वधिष्ठाने ने हम अधिष्ठाय निरतम तमीड़े संवरतम जननी महती यदा लोके लोकान् दहती महसी क्रोध कलिते दयाद्रिया दृष्टि शिशिर उपचारम रचयती अब स्वाधिष्ठान अच्छा एक बात यहाँ पर ध्यान देने योग्य है पूरे सौंदर्य में जो हम लोग इस जगत में जिसको मणिपुर कहते हैं सौंदर्य ले में उसी को स्वादिष्ठान कहा गया सो so, उल्टा करना है बिल्कुल आपको तिमिर पीपंथी स्फुरणया स्फुरन्ना स्फुन्नात्ना भरण पिणतेन्द्र धनुष तव श्याम मेघम कमी मणिपूर शरण निषे वर्षत हर त्रिभुवनम हेमा तेरे मणिपुर चक्र में मैं तेरे जो श्याम वर्ण के मेघेश्वर इनको कहते हैं और सौदामणि रूप इसका मैं ध्यान करता हूं तो मणिपुर चक्र में शिव का जो रूप है उनको मेघेश्वर कहा गया और इनको जो माँ को सौदामनी कहा गया कहते हैं हे माँ आप यहां पर चमकती हुई जाती हैं देखो स्वादिष्ठान में जल तत्व है और मणिपुर में अग्नि तत्व है लेकिन जब तपस्या हम करने शुरू करते हैं तब की अग्नि की वजह से ये जल तत्व समाप्त होकर के ये इवॉपरेट होने लगता है और जाकर के मणिपुर जिसको हम कह रहे हैं वहां पर ये जाकर के काले बादलों के अंदर जमा हो जाता है काले बादलों जैसे जमा होता है लेकिन वहां पर कुंडलिनी शक्ति जो है वो बिजली की तरह नजर आती है सौदामनी की तरह नजर आती है और जब और व्यक्ति तपस्या करता जाता है तो ये जो तपस्या की जो अग्नि है ये बढ़ती है ताप बढ़ते तपस्या करती ताप है तपस्या तो की अग्नि बढ़ते 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 अब यहाँ अग्नि एक्टिवेट हो गई है हृदय में सूर्य एक्टिवेटेड हो गया है तो कितनी ताप बढ़ेगी लेकिन यह सौदामी की तरह ये जो जल है ये जो जल तत्व वहां जा करके नाभि में बूंदों की तरह बन जाते हैं बूंदों की तरह थोड़ी देर में ये अग्नि को पूरी तरह से कैप्चर करने नहीं देते ये ठंडा कर देते हैं समझो केवल अग्नि तत्व बढ़ा हमारे अंदर तो हम कैसे जिएंगे नहीं जी सकते तुरंत फिर ये जो जल तत्व के कण है ये बारिश की तरह फुहारी की तरह अंदर हमारे प्रकट होते हैं और हमको ठंडा करते हुए जाते हैं तो शरीर का ध्यान ही का जो है बैलेंस बना रहता है ध्यान करते है समय बहुत गर्मी आएगी लेकिन धीरे धीरे वो गर्मी अपने आप कूल होती है क्योंकि जल तत्व एक्टिवेट होते हैं कौन हो कौन है जल तत्व कहते हैं हेमा वो आप ही हो कुंडलिनी की शक्ति की जैसे आप ही एक्टिवेट होते हो और जब आप एक्टिवेट होते हो और वो जो ध्यान शांत हो जाता है तो उसको अंदर कहते हैं इंद्र की तरह नाना रंग दिखाई देते हैं कहने का अर्थ है जब आप ध्यान में जाते हो तो नाना अनुभव होते हैं तो वो जो है जो ध्यानी है वो भले तपता हो लेकिन आप जो है उसको ठंडा करती जाती हैं तो कोई आपके मणिपुर पर ध्यान करे तो मणिपुर पर किसका ध्यान होता है मेघेश्वर मेघेश्वर का एक और अर्थ होता है जैसे विष्णु जी का हम ध्यान करते हैं ना तो विष्णु जी नीले रंग के श्याम रंग के है कृष्ण का श्याम मेघवर्ण और आधारानी दामिनी की तरह तो जैसे थंडर जैसे मतलब बोलते हैं ना काले क्लाउड्स छा जाए काली घटा छा जाए और उसमें जब बिजली चमकती है बिल्कुल वैसा ही एक स्वरूप हमारे नाभि चक्र में प्रकट होता है और हल्की हल्की वर्षा होने लगती है जब जब तपस्वी एकदम शांत हो जाता है उसका मन एकदम शांत हो जाता है निर्मल हो जाता है तो उसका हम ध्यान करते हैं इसी में सिक्सटी टू रेज जो हमने श्लोक नंबर चौदह में पढ़ा था वो यहाँ पर प्रकट होते हैं आगे हम लोग इकतालीस वाला श्लोक पढ़ते हैं और उसके साथ फिर ये एंड करते हैं तवाधारे मूले सह समय या लास् पर नवात्मा नव रस नटम उदय विधि मुद्दी जनक जननी मत जगदिदम हेमा तेरे मूलाधार में याद रखना है पूरे श्लोकों में उन्होंने कहा तेरे 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 यानी शुरुआत हमको कहाँ से करनी है देवी से करनी है और हमको धीरे धीरे प्रैक्टिस यहाँ तक बढ़ानी कि देवी और हम एक है तो देवी हमारे अंदर ही बैठी है फिर देवी के चक्रों में ही हम अपने चक्रों को देख रहे हैं कोई अंतर नहीं देवी का जो शरीर है वही हमारा शरीर है ऐसे और जब देवी का हम शरीर का ध्यान करेंगे हर जगह शिव है हर चक्र में शिव है शिव शक्ति का साथ में ध्यान है तो मूलाधार में जब हमारा ध्यान गया हमने शुरू यहाँ से किया फिर यहाँ पहुंचे फिर यहाँ फिर हम मणिपुर में गए फिर हम स्वादिष्ठान में गए अब हम मूलाधार में जा रहे हैं तो मूलाधार में जो कहते हैं लास्य परा नित्य करती हुई जो है शक्ति है उसको हम कहते हैं समया देवी लास्य समया देवी और वहां पर जो शक, जो शिव है उनको हम करते हैं तांडव करने वाले नटेश्वर वहां पर दोनों नृत्य करते हुए हैं तो ऐसे ये दोनों नवात्मा जो है इनका हम चिंतन करते हैं अभी एक चीज और समझाती हूँ पहले मैंने आपको नवात्मा मतलब उनके नाइन स्वरूप बताए लेकिन नव का एक अर्थ होता है नवीन न्यू यहाँ पर मूलाधार में ये दोनों हर सेकंड मिलते हैं और नया नया आनंद की लहरियां यहाँ प्रकट होती है नव नव आत्मा नव नव रस हर सेकंड यहाँ पर प्रकट होती क्यों यहां देवी लास्परायण है नृत्य कर रही है और यही ये यह जब ये नृत्य करते हैं आधा, आधार मूलाधार में यही इस जगत का आधार शक्ति है इनके नव नव रस में नव नव मिलन में नव नव जो श्रृंगार में नव नव आनंद में नव मींस नॉट नाइन नव मींस नया नया नवीन नवीन मिलन में नवीन नवीन आनंद में नवीन नवीन प्रेम में जब जब मिलते हैं शिव शक्ति हर प्रेम में एक नवीनता है उस नवीनता में नई नई चीजें का चीजों का सृजन होता है नए नए ब्रह्मांडों का सृजन होता है नए नए जीवों का सृजन होता है नई नई प्रकृति का सृजन होता है आप देखते हैं ना प्रकृति हर क्षण बदलती है हर सेकेंड एक घास उगती है एक कीड़ा पैदा होता है कोई ना कोई हर सेकेंड कैसे पैदा हो रहा है इनका नया नया जो मिलन होता है नवात्मानम से प्रिया नटेश्वर एक जगह कोई मरता है एक जगह कोई एक जगह कोई पैदा होता है हर है ना तो ये नवीन नवी नवी रचना नवन नवीन आत्मा नव आत्मा नए नए आत्माएं प्रकट हो रही हैं और ये जो नई नई आत्मा प्रकट हो रही है ये जो ब्रह्मांड में जो प्रकट हो रहे हैं इनके माता पिता कौन है कहते हैं ये दोनों जगत जननी और जगत जनक जगन्नाथ और जगत जननी जगदीश्वर और जगदीश्वरी ये दोनों के नए नए मिलन से नई नई चीजों का उत्पन्न होता है और नई और बार बार चीजें खत्म भी हो जाती है तो सारा जग अपने आप को सनाथ इसलिए मानता है क्योंकि शिव और शक्ति ही माता पिता है मूलाधार मूल में ये ही आधार है इस भाव से हम इनको देखते हैं और इनको नमस्कार करते हैं इस प्रकार आनंद लहरी समाप्त हुआ अब हम लोग जब आगे के श्लोकों में जाएंगे उसमें सौंदर्यहरी है मां के सौंदर्य का वर्णन है और बहुत ही सुंदर है उसमें थोड़े से टेक्निक कम है जैसे इसमें था वैसा सौंदर्य लेरी नहीं होगा बहुत ही सुंदर है वो तो अब आगे के श्लोक आगे की वीडियोस में जय माँ